हेलो गाइस, राम जी टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ राम के प्रजापति। इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ लैपटॉप में से फ़ोन में फ़ोटो कैसे डालें और लैपटॉप में से फ़ोटो मोबाइल में कैसे डालें। ठीक है, तो यदि आप लोग अपने लैपटॉप से अपने स्मार्टफोन मोबाइल में चाहे वो किसी भी कंपनी का फ़ोन हो फोटो डालना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं क्या करना है आप लोग को पता है कि सबसे पहले आपको अपने फोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है। सो दोस्तों, लैपटॉप में से मोबाइल में फोटो ट्रांसफर करने के लिए फिर वीडियो ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा इस यूएसबी केबल के जरिए जो कि आपके चार्जर में मिल जाता है। तो सबसे पहले ये जो है हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से यूएसबी पोर्ट में लैपटॉप के, और इसका जो चार्जिंग वाला पोर्ट है जिससे जो है हम लोग मोबाइल में किसी भी मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो इसमें हम लोग जो है सिंपली इसका चार्जिंग पोर्ट में इस तरह से लगा देंगे। ऐसे हमने लगा दिया, जैसे हमने लगा दिया तो चार्जिंग होने लगा। सो जैसे हम अपने लैपटॉप से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो हमारे मोबाइल में एक इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है। ये एक सैमसंग का मोबाइल है, अगर आपके पास रेडमी का ओप्पो का होगा तो उसमें अलग तरीके से आएगा लेकिन नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है अलाउ एक्सेस टू फोन डाटा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। सिंपली ऐसे अलाउ कर देंगे तो आपके जो फोन का सभी स्टोरेज वगैरह है, फाइल फोल्डर है, फोटोज वगैरह, वीडियो सब कुछ लैपटॉप में दिखाई देने लगेगा। बस आपको अपने लैपटॉप में आ जाना है और यहाँ पर दिस पीसी का जो आइकॉन है इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको डिवाइस का नाम, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर सैमसंग का कनेक्ट किया है तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M20 मॉडल नंबर दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर रेडमी का फोन कनेक्ट किया तो यहाँ पर रेडमी का मॉडल नंबर दिखाएगा। तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसको अलाउ नहीं किया है अपने फोन से। ठीक है, तो जब तक हम लोग जो है अपने फोन से अलाउ नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे लैपटॉप में हमारे फोन की जो सेटिंग है वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो फिलहाल इसमें क्या करना पड़ेगा, जब तक कि हमारा फोन करेक्ट नहीं है तब तक हम इसमें जो है लैपटॉप से मोबाइल में फोन में फोटो वगैरह जा नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलाउ एक्सेस टू फोन डाटा वाले पर जो ऑप्शन है उसको अलाउ कर देना है। अब हम इसको यहाँ कट कर देंगे, डबल क्लिक करके फिर से दिस पीसी को ओपन करेंगे और गैलेक्सी M20 इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर फोन का जो स्टोरेज है वो ओपन हो चुका है। अब इसको एक बार और क्लिक करेंगे तो हमारे फोन में जो भी डाटा है वो आ चुका है। और यहाँ पर देखिए ये जो DCIM का फोल्डर है इसमें हमारे कैमरे का फोटो होता है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है कैमरे का ऑप्शन आ चुका है और इसमें हमारे कैमरे जो हमारा फोटो लिया गया है वो सभी फोटो यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपली क्लिक करेंगे तो देखिए ये सभी जो है हमारे फोन का जो फोटो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये पूरा खुल चुका है, मेरे फोन का जो भी फाइल फोल्डर होता है वो यहाँ पर खुल चुका है, मेरे फोन में जितने भी फोटो हैं वो सब खुल चुके हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे जो है मेरा जो ये फोटो है इस फोटो को मुझे लैपटॉप में लाना है, अपने फोन के फोटो को लैपटॉप में डालना है तो क्या करेंगे। सिंपली हमें जिस भी फोटो को अपने लैपटॉप में डालना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस फोटो को यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी का ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो कंट्रोल प्लस सी का ऑप्शन जो शॉर्टकट है कि आपके लैपटॉप का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी करेंगे, इसके बाद से हम डायरेक्ट आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं और यहाँ पर लाकर इसको राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। तो हमारा ये जो फोटो है देखिए यहाँ पर लैपटॉप में आ चुका है। इसी फोटो को अगर हम चाहें तो अपने मोबाइल में भेज सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर आपको दूसरा फोटो भेज के दिखाएंगे। जैसे कि ये हमारा फोटो है लैपटॉप में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का फोटो है, देख फोटो है, हम चाहते हैं इसको भेजना तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर दिस पीसी में जाते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से जो भी हमारा फोटो है वो खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें जो है इस फोटो को, ये वाला जो फोटो हमने यहाँ से देख लेते हैं, इस फोटो को हमें मोबाइल में भेजना है तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है सेंड का। ठीक है, इस पर इस फोटो पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंड टू, यहाँ पर ये जो कि ऑप्शन मिल रहा है गैलेक्सी M20, सिंपली क्लिक करेंगे तो ये जो फोटो है, ये वाली जो फोटो है वो हमारे फोन में चली गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग लैपटॉप से फोटो मोबाइल में डाल सकते हैं और मोबाइल फोन से फोटो लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग चाहें तो वीडियोज, डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी तरह की अन्य एक्सेल MS वर्ड की फाइल भी एक दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं।